नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या दिया होगा, ये पाई चार्ट दिया होगा। पाई चार्ट को समझ के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे या क्वेश्चन से पाई चार्ट ड्रा करना हो तो बड़ा ही आसान है। पहले समय क्या दिया हुआ है, एक सर्वे किया गया मेड ऑफ फाइन टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी एड ज्वाइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। यानी इसके अंदर क्या दिया है, लाइट सॉन्ग को 40% लोग पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10% और फ्लोक है वो 30% लोग पसंद करते हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द क्वेश्चन, इस पाई चार्ट से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इफ़ 20 पीपल लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, यानी 20 लोग हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, हम कैसे करेंगे इस सम को, ऐसे करते हैं जैसे नंबर ऑफ यंग पीपल हु वर सर्वेड 10% दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, 100 × 20/10। 20 क्यों किया, क्योंकि 20 लोग पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, और जो 10% था इसलिए 10 नीचे आ गया। ये काट के इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 200 पीपल आ जाएगा। या फिर विद्यार्थियों, ये बेस्ट है, ऐसे कर लीजिए, 20 पीपल था वो आपको 10% दिया था, टोटल पीपल निकालने के लिए 100% करते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 200 पीपल आ जाएगा विद्यार्थियों। ये भी आपका बेस्ट तरीका है। इसके बाद पार्ट संख्या 2, पार्ट संख्या 2 में कहता है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया। तो ये म्यूजिक है ना, ये सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया विद्यार्थियों, लाइट 40%। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम पीपल, यानी लाइट म्यूजिक है वो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है। अब पार्ट 3 में कहता है कि 100 सीडी थी टोटल, तो प्रत्येक टाइप की कितनी कितनी सीडी बनी होगी, तो ये पूरा 100% दिया है विद्यार्थियों, तो हम 1000 का 40% निकालेंगे तो लाइट म्यूजिक, 20 निकाला तो सेमी क्लासिकल, और 10 निकालेंगे तो क्लासिकल, और 30 निकाल देंगे तो फ्लोक आ जाएगा। तो ऐसा ही हमने किया, नंबर ऑफ व्यूअर हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक 1000 का 10%, 20 से 20 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल लाइक सेमी क्लासिकल 1000 का 20% गुणा में 20/100, 20 से 20 20 × 10 200 पीपल आ जाएगा। फिर लाइट म्यूजिक 40% था, 40% 1000 का 20 से 20 400 आ जाएगा। फ्लोक म्यूजिक 30% था, 1000 का 30%, तो ये आपका 300 पीपल आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि 360 लोगों का एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर क्या दिया हुआ था, समर रेनिंग विंटर, इतने वोट समर को पसंद करते हैं, इतने रेनिंग को और इतने विंटर को बताया इसके अंदर। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो इसके अंदर बच्चों विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। दूसरे में कहता है इसका सेंटर एंगल निकालिए, और तीसरे पार्ट में कहता है इसका पाई चार्ट ड्रा करिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे पहले का आंसर लिख दिया विद्यार्थियों, विंटर सीजन गॉट द मैक्सिमम वोट। अब पार्ट संख्या 2 में सीजन दिया हुआ है समर रेनी विंटर, नंबर ऑफ वोटर्स दिया हुआ था 90 120 150, इनका सम करते हैं 360 आ गया। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल ये ऊपर, इसका सम नीचे टोटल, इनटू में 360, क्योंकि 360 को ही डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर हमने 120 ऊपर नीचे 360 × 360, ये 120 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर 150 ऊपर 360 नीचे इंटू 360, ये कैंसिल हो गए, 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये एंगल बना दिए हमने, पार्ट 3 में ये कहता था कि हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले ये सर्कल ड्रा किया, सर्कल के अंदर यहाँ पे हमने रेडियस ले ली, पहला 90 डिग्री था, यहाँ पे हमने 90 डिग्री बनाई, आर्क लगाई 60 120,
इसका हाफ करके ये आ गया आपका समर। तो ये हमने डॉटी दिखा रखा है समर का। फिर एंगल था 120, यहाँ पे सेट करके प्रकार यहाँ से आरक लगाई 60 और 120, यहाँ से इसको मिलाया, ये आपका था रेनी, यहाँ रेनी लिख दिया। और इसके बाद विंटर है विद्यार्थी, जो रह गया वो आपका विंटर है 150। तो अब विद्यार्थियों पर्सन हमारे 2 कंप्लीट होते हैं और टोटल पर्सन दिए हुए हैं इसके अंदर 5। तो दूसरे की तरह पर्सन संख्या 3 आप खुद ट्राई लेंगे, कंप्लीट करेंगे। पाई चार्ट शो करना है इसका, यहाँ पे कलर दिया है ब्लू ग्रीन रेड येलो, नंबर ऑफ पीपल दिया है, ये टोटल 36 आ गया। यहाँ पे आप सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सी ए से शो कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जैसे ये 18 ऊपर आएगा, नीचे इसका सम 360 में 360, 10 पे कटेगा 180 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से ये सारे एंगल निकाल के आप सेंट्रल एंगल, और जैसे इसका पाई चार्ट ड्रा किया था इसी का पाई चार्ट आप खुद ड्रा करेंगे। और 2 पर्सन रहते हैं जो हम इसी अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।